आप देख रहे हैं जेके न्यूज ब्रेक जो कि ब्रेकिंग न्यूज देता है। जी हाँ, ग्राउंड लेवल की बातें आप तक पहुंचाता है। दक्षिण कश्मीर में शोपियन जिला में सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराया। जी हाँ, अगर बात की जाए तो 44 RR और 178 बटालियन CRPF की कामयाबी। जी हाँ, उन्होंने दो आतंकियों को मार गिराया। आपको पता ही है कि गांधरबल जिले में बीजेपी कार्यकर्ता पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हमारा कश्मीर पुलिस का सिपाही जख्मी हो गया था और हॉस्पिटल उपचार के लिए गया और वहां उसने दम तोड़ दिया। जी हाँ, अगर बात की जाए आतंकियों की तो धीरे धीरे आतंकवाद की जो है गतिविधियां बढ़ रही हैं और साथ ही अगर बात की जाए तो हमारी फोर्सेस लगातार उनको निशाना बनाकर जो है उन्हें मार गिरा रही है। जी हाँ, बात की जाए मिलिटेंट जो है अब उकसाए हुए हैं, कहीं ना कहीं वो अब अपनी बिल से बाहर निकल रहे हैं और हमारे सैनिक उन्हें अपनी गोली का निशाना बना रहे हैं। बड़ी कामयाबी, हमारी फोर्स जो है दिन रात आतंकियों के पीछे, जो भी आतंकवाद फैलाने की कोशिश करेगा या आतंकी होगा उसे नहीं बख्शा जाएगा। हमारी फोर्स देखिए किस तरह से चौकन्नी, हमारी फोर्स जो है अगर बात की जाए भारतीय सैनिक जो है अपनी जान हथेली पर लेकर अपने देश की सेवा कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह से उन्होंने कार्डन सर्च ऑपरेशन और एनकाउंटर करके दो आतंकियों को मार गिराया। राकेश शर्मा, जेके न्यूज ब्रेक, राजौरी।